अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाते हैं पंजाबी लस्सी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। यहाँ पर मैंने 1.5 कप नॉर्मल कप जो आता है उसके मेजरमेंट से 1.5 कप दही ली हूँ। उसे ऐड कर दीजिए एक मिक्सिंग जार में। और उसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ऐड करी हूँ और ये 1/2 टेबल स्पून है, आप लोग देख सकते हो। और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हमने बॉईल करके ठंडा दूध ले ली हूँ, उसी के साथ मैंने मलाई भी ली हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 4 चम्मच इसे भी ऐड कर दीजिए। अब ठंडा चिल्ड पानी ले लीजिए, या तो फिर इसकी जगह आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 1/2 ग्लास ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए नमक ऐड कर देना है 2 पिंच के करीब। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर ली हूँ और ये हमारी लस्सी बनकर तैयार है। जितना ऊपर से डालोगे उतना अच्छा फेस होगा इसमें। सैफ्रॉन से गार्निश करके सर्व कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाते हैं फ्रेश रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस या तरबूज के जूस। सबसे पहले एक बाउल में सब्जी की बीज ऐड कर देंगे। नॉर्मल पानी से भिगोकर 15 मिनट के लिए रख दें। तब तक हम वाटरमेलन या लेमन ले लेंगे, उसे मिक्सिंग जार में कट करके ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो बीज निकाल लीजिए, बहुत ही इजी पड़ जाता है उससे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो बीज भी पिस जाएगी, मैंने इसमें निकाली नहीं थी। लेमन ऐड कर दीजिए 1/2 और पाउडर शुगर, ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वजह से। काला नमक 1/2 टीस्पून, काफ़ी कम अमाउंट में मतलब। अब सब्जी के बीच 15 मिनट हो चुका है, 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। इसे हम छान लेंगे, अगर आप बीज निकाल कर कर रहे हो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसे गार्निश कर देंगे पुदीने के पत्ते और थोड़े से कटे हुए तरबूज के साथ। बनकर तैयार है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ नींबू पानी का सीक्रेट, जो बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। सबसे पहले हमें 1/2 नींबू ले लेना है, उसे स्क्वीज़ कर लेना है। उसके बाद पाउडर शुगर ले लीजिए या तो फिर शुगर ले लेना है, पर उसे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हमें 1/2 ज़ीरा का पाउडर डालना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्ग्रीडियंट है, जलजीरा नहीं ज़ीरा। इसी के साथ 1/4 टीस्पून काला नमक और 2 पिंच वाइट नमक ऐड कर दीजिए। इसी के साथ थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और काफ़ी अच्छा और ठंडा पानी मिलाकर उसे मिक्स कर देना है। और ये हमारा नींबू पानी बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हो चुका है। इसे गार्निश कर दीजिए। होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैंगो मस्तानी बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान है और उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। और इसे आप इस तरीके से गार्निश करके सर्व कीजिए, बहुत पसंद आने वाला है सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सादिया कुकिंग कॉर्नर को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑप्शन ऑल पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमें सबसे पहले मैंगो ले लेना है। यहाँ पर मैंने 4 आम लिया है, ये आप देख सकते हो। और इसका हमें छिलका निकाल कर बारीक पीसेस में कट कर लेना है। और आप चाहें तो इसे बड़े बड़े क्यूब्स में भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर मैं 3 का बनाई हूँ और 1 एक्स्ट्रा है, जिसे मैंने इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, ताकि हम इसे गार्निश करें। तो इसे हम गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, अभी हम इसे रख देंगे। और हमें ले लेना है दूध और शक्कर। यहाँ पर शक्कर हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि जितना हमारा जो मैंगो है मीठा है उस हिसाब से हमें शक्कर ऐड करना है। और हमें ले लेना है दूध। यहाँ पर मैंने बॉईल करके उसे ठंडा किया है, आप भी कच्चा ना लीजिए। और अब हमें मैंगो को मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे शक्कर। तो मैंने जैसा कहा कि शक्कर हम अपने हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि अगर जो मैंगो है वो ज़्यादा मीठा रहेगा तो ये शक्कर उसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें। और ऐड कर देना है बॉईल किया हुआ दूध। अब हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। ये आप देख सकते हो ब्लेंड करने के बाद ये काफ़ी थिक था, तो इसमें मैंने और दूध ऐड किया है। इसी कप में जितना भी दूध है मैं सारा ही धीरे धीरे करके ऐड करूँगी। और इसे वापस से ब्लेंड करने के बाद ये आप देख सकते हो काफ़ी
अच्छा सा पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो ना। और अगर आपको भी इतना ही चाहिए तो आप इससे ज़्यादा जो मिल्क है उसे ऐड ना कीजिए, और अगर आपको इससे भी पतला चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। और अब मैंने इसे ट्रांसफ़र कर ली हूँ ग्लास में, आप जिसमें भी सर्व करना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। और उसके बाद अब हम इसे गार्निश करेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा गार्निश करने के बाद। तो गार्निश के लिए हमने यहाँ पर नो फ्लेवर वाली जो मिल्क वैनिला आइसक्रीम होती है उसे ले लेना है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने क्यूब्स में कट किया था उसे ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इस तरीके से आइसक्रीम को ऐड कर दिया है, और इससे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग इसे भी ज़रूर ऐड करिए अगर आपके पास हो तो। और इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसे रख देना है जो हमने मैंगो कट किए थे, और मैंगो को अच्छी तरीके से बीच में अच्छे से रखने के बाद अब हम यहाँ पर पिस्ता ऐड कर देंगे। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं पिस्ता को, पर इससे थोड़ा अच्छा लुक भी हो जाता है, राइट। और ये हमारी मैंगो मस्तानी बनकर रेडी हो चुकी है, देखा कितना आसान था। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।